नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले कर्तव्यनिष्ठ व देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सीएम धामी ने अपने शासकीय आवास पर श्रद्धांजलि दी। वहीं उत्तराखंड के सचिव नियोजन, उत्तराखंड की जीडीपी 20 महीने में 1.3 गुना बढ़ी है। उत्तराखंड का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 2.74 लाख करोड़ था। 2023-24 में बढ़कर 3.46 लाख करोड़ रुपए हो गया। पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के गुनियाल गांव में बन रहा देश का पहला सैन्य धाम लगभग तैयार हो चुका है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक धाम का 85% काम पूरा हो चुका है। इधर प्रदेश में वाहनों की मॉडल सीमा का फैसला फिलहाल राज्य परिवहन प्राधिकरण ने लटका दिया है। इसके लिए गठित सीमित समिति को कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। वहीं रैपिडो सहित 5 को एग्रीगेटर लाइसेंस देने पर सहमति बनाई गई है। दोनों ही बिंदुओं पर परिवहन कारोबारी ने विरोध जताया था। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने नैनीताल जेल की अव्यवस्थाओं और जर्जर भवन को लेकर स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राजस्थान की तरह नैनीताल जिले में भी खुली जेल बनाई जा सकती है। कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के भीतर अपनी राय देने को कहा है। साथ ही न्याय मित्र से राजस्थान की खुली जेलों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।